टाटा की ना आप ये पंच देख रहे हो, अब पंच भाई ये नॉर्मल वाले पंच नहीं है, कोई इसके अंदर टर्बो इंजन नहीं है, बट जो मेन चीज कंपनी ने इसके अंदर लॉन्च की है वो है इसको सीएनजी के अंदर में कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। ये आप टाटा की पंच देख रहे हो, इसका डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चेंज है, कैसे कंफर्ट मिलता है, कौन से फीचर्स जो है इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। और इधर में खड़ी हुई है टाटा की अल्ट्रोज, इसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें जो है आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। सबसे पहले ना आपको इसका गाड़ी का बूट स्पेस दिखाता हूँ। ये देखो इसके अंदर क्या भाई, जैसे सभी कंपनियों में क्या है, एक बड़ा सिलेंडर दे देते हैं तो उस वजह से क्या हो जाता है, फिर जो बूट स्पेस है ना बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ये देखो बूट स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। बट इस गाड़ी के अंदर क्या कर दिया है, दो छोटे छोटे सिलेंडर दे दिए हैं जिनकी प्लेसमेंट आपको नीचे की तरफ में दे दी गई है। स्पेस अब आपका बूट में इसमें काफ़ी सही बच चुका है। और इसके ऊपर ना ये प्लास्टिक की ट्रे दे रखी है, तो अपना भारी भारी सामान भी इसके ऊपर रखोगे तो कोई भी दिक्कतें आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में नहीं होने वाली है। बाकी पार्सल ट्रे भी इसके अंदर मिल जाती है। इसका क्या कर दिया, जैसे जो लोडिंग लिप था ना वो पूरा ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट मतलब फ्लैट से थोड़ा इतना ही उठा हुआ है इसका बूट स्पेस। ये भाई काफ़ी अच्छा तरीका लगा, एक बड़े सिलेंडर की जगह दो छोटे सिलेंडर इस गाड़ी के अंदर में दे दिए गए हैं। तो अब दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आप इस गाड़ी की हेडलाइट देखोगे तो ये आपको प्रोजेक्टर वाली मिल जाती है, और जो इसकी हाई बीम है वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ में मिलती है। बाकी जो गाड़ी की फॉग लाइट है वो इसके अंदर हैलोजन बल्ब के साथ में ही दे रखी है। एक्सटीरियर्स में देखोगे तो गाड़ी के अंदर में आप लोग को कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अंदर वही डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, अपोलो के टायर्स हैं, फ्रंट गाड़ी के अंदर में डिस्क ब्रेक आता है, रियर गाड़ी के अंदर में ड्रम ब्रेक आता है, 195/60R16 इंच का जो है इनका टायर सेक्शन मिल जाता है। ORVMs जो है गाड़ी के इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं एंड रिट्रैक्टेबल हैं। और जैसे इस गाड़ी के अंदर देखोगे ना, पहले भाई सनरूफ नहीं आती थी और अब इस गाड़ी के अंदर में सनरूफ भी आ चुकी है, तो ये भी बहुत तगड़ा सा चेंज है भाई। CNG के अंदर में आपको सनरूफ मिल रही है। अब जो ब्रेजा आती है वो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है, उसके अंदर भी कंपनी ने सनरूफ में CNG में लॉन्च कर दिया। और पंच में यूँ लगा लो आप, पहली ये गाड़ी है पंच की कि आपको इसके अंदर सनरूफ भी मिल जाती है। अब अंदर से दिखाऊंगा कितना इस गाड़ी के अंदर में स्पेस, मतलब कितनी ये ओपन वगैरह होती है। बाकी जो गाड़ी के आप डोर हैंडल्स देखोगे ये आपको बॉडी कलर्ड ही मिलते हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है यहाँ पे गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे देखो चारों पावर विंडो के स्विचेज आप लोग को मिल जाते हैं, और ड्राइवर साइड विंडो जो है ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिल जाती है। ORVM के कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बोतल कैरी करने के लिए होल्डर भी मिल जाता है, और जो गाड़ी का डोर हैंडल है वो सिल्वर फिनिश में दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल सीट भी गाड़ी में मिल जाती है, फैब्रिक की सीट है, पोलिस्ट्री इसके अंदर मिल जाती है। फर्स्ट रो में आप लोग को क्या है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ट्राई एरो टाइप का डिज़ाइन भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रेड स्टिचिंग का भी यूज़ देखने को मिलेगा। अब इधर में देखोगे तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच दिया हुआ है, ये फ्रंट फॉग लाइट के लिए, गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए बेसिकली यहाँ पे बटन दिया हुआ है, और ये CNG के लिए ये बटन दे रखा है, CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG के लिए। अब डोर को कर लेते हैं बंद। अब जैसे देखोगे ना इस गाड़ी में आप लोग स्टेयरिंग व्हील, ये आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है, और लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम है। म्यूजिक सिस्टम के इस गाड़ी में यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, कोई क्रूज कंट्रोल नहीं आएगा। ऑटो हेडलैम्प गाड़ी में मिल जाती है, और ऑटो वाइपर भी गाड़ी में मिल जाते हैं। डिजिटल गाड़ी के अंदर में क्लस्टर मिलता है आपको पूरा वाला, और CNG के लिए बेसिकली इसमें अलग ही क्लस्टर मिलेगा, जाहिर सी बात है जो आएगा। टच स्क्रीन डिस्प्ले भी गाड़ी के अंदर मिल जाती है, जो कि आपकी एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी सपोर्ट करेगी। हर एक जगह पर भाई हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है। टाटा की किसी भी गाड़ी में देख लो, जो फिट एंड फिनिश है ना इतनी फाइन नहीं आती, बट जो टाटा की पंच है ना इसके अंदर जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी फाइन सी मिल जाती है। जैसे देखो यहाँ पे गैप्स देखो, बिल्कुल मतलब एकदम बढ़िया सा नीट एंड क्लीन सा मिलता है। इंटीरियर में देखोगे यहाँ पे वाइट टोन का यूज़ है, बाकी जो इसके एयर के वेंट्स हैं ना वहाँ पे आपको रेड टोन का यूज़ देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, जो भी चलेगा आपको यहाँ ऊपर स्क्रीन में ही शो करेगा। नीचे यहाँ पे 12 वोल्ट का शॉक किट भी मिल जाता है, और देखोगे तो यहाँ पे USB के लिए चार्जिंग दे रखे हैं। 5 स्पीड ही गाड़ी के अंदर में गेयर बॉक्स आते हैं, गेयर नोब वगैरह में कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे आप लोग को 12 वोल्ट का शॉक किट भी मिल जाता है। गाड़ी में कोई आर्म रेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, 2 ग्लास होल्डर है। जैसे इस टाटा पंच में देखोगे ना नॉर्मल जो यूनिट आता है उसके अंदर भी आप लोग को आर्म रेस्ट नहीं मिलता है। अब सनरूफ भी भाई गाड़ी के अंदर में आ चुकी है, जिसका साइज खुलेगा भाई थोड़ा छोटा ही ओपन होगा।
अब सबसे बड़ी सनरूफ किसके अंदर खुलती है? XUV 300 में खुलते, बट वो इसके सेगमेंट की नहीं है, बस बता रहा हूँ। नेक्सोन में भी नेक्सोन और XUV 300 वो दोनों एक सेगमेंट की है, बट फिर भी XUV 300 जो है उसके अंदर ज़्यादा बड़ी सनरूफ खुलती है। IRVM मैनुअल में दे रखे हैं, पैसेंजर साइड सनवाइजर में आप लोग को मिरर मिल जाता है, ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर मिलते हैं, और यहाँ पे दे रखे बेसिकली इसके सनरूफ के कंट्रोल, और यहाँ पे इसकी LED में रीडिंग लैंप भी मिल जाती है। विजिबिलिटी वगैरह गाड़ी में नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ जाती है। ORVM वगैरह बिल्कुल बढ़िया, सब कुछ बढ़िया भाई। जो नी रूम है, लेग रूम है, वो भी गाड़ी के अंदर में बिल्कुल ओके मिल जाता है। 6 फुट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल बढ़िया सीटों का कम्फर्ट है। अब ज़्यादा 6 फुट से हाइट ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा हेल्दी है ना, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब चलते हैं भाई इसमें पीछे की तरफ और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में मिल जाती है। ब्लैक रूफ है, और जो इसकी रूफ रेल्स है ना, ये आपको प्लास्टिक की मिलती है। शार्क फिन का एंटीना भी गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। LED टेल लाइट्स गाड़ी में मिल जाती है, और पीछे की तरफ ना आपको कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, सिर्फ आपको ड्रम ब्रेक आता है। फ्रंट गाड़ी में डिस्क ब्रेक है, साइड में वही बड़ी बड़ी सी क्लाइडिंग्स देखने को मिल जाएगी गाड़ी के अंदर में। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको डिफोगर और वाइपर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दिया गया है, बट स्पॉइलर गाड़ी के अंदर में नहीं आएगा। पीछे ना आपको कैमरा भी मिल जाएगा, एज वेल एज पार्किंग सेंसर भी गाड़ी में मिल जाएंगे। और जैसे इस गाड़ी का आप सोचोगे कि स्पेयर व्हील कहाँ पे दिया गया है, तो उसकी प्लेसमेंट जो है यहाँ नीचे की तरफ में देखने को मिलेगी। अब नीचे से आपको स्पेयर व्हील को एक्सेस करना पड़ेगा। इस वेरिएंट में आपको दो ही, मतलब टाटा पंच के ये इस वेरिएंट में आपको दो ही पार्किंग सेंसर मिलेंगे। अल्ट्रोज की, मतलब उसकी तरह नहीं किया, जो टियागो आती है ना उसमें क्या कर रखा है कि कैमरा दे दिया टॉप वेरिएंट में, बट पार्किंग सेंसर कट कर दिए, बट वो चीज़ इसके अंदर आप लोग को देखने में नहीं मिलेगी। भाई मस्त चीज़ तो यही यार इसकी, ये देखो बूट में सिलेंडर की एक नंबर की कर रखी है, दो सिलेंडर छोटे छोटे दे दिए, बूट भी आपका बच गया। और मतलब ऐसे पता भी नहीं चल रहा है कि भाई इसके बूट में CNG के टैंक लगे हुए हैं। आराम से इसके ऊपर कितना भी भारी सामान आप इसके ऊपर रख सकते हैं। एंड जो इसकी सेकंड रो की सीट है उसको एक बार फोल्ड करके दिखाता हूँ भाई। टायर पंचर मोबिलिटी किट भी आप लोग को हर एक वेरिएंट बेस से टॉप सभी मिल जाएंगी, और बेंच टाइप ही गाड़ी में सीट मिलती है। यार अभी ना बैठा है तो इस वजह से मैं इसकी बूट जो है उसको फोल्ड नहीं कर पाऊंगा। बाकी गाड़ी लग बढ़िया रही है भाई, सनरूफ भी गाड़ी के अंदर आ चुकी है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अब इसकी सेकंड रो में देखोगे क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है। आइसोफिक्स सीट मिल जाती है, बीच वाले बंदे के लिए कि आपको 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगी, बाकी साइड वाले बंदों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, और यहाँ पे देखोगे तो आर्म रेस्ट भी आप लोग को मिल जाता है, बट ये ग्लास होल्डर के साथ में नहीं आता है। और डोर्स जो है इस गाड़ी के 90 डिग्री ओपन होते हैं, तो गाड़ी के अंदर जाना और बाहर निकलना काफ़ी आसान है। लिड जो है CNG की आपको यहाँ लेफ्ट साइड में मिलती है, जैसे आपकी लीड भी ओपन रहेगी ना तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। फ्लोर जो है गाड़ी का फ्लैट मिलता है, तो गाड़ी के अंदर जैसे 3 जने बैठेंगे, बीच वाला बंदा बैठेगा तो कंफर्टेबली वो बैठ पाएगा। और पीछे से कुछ ऐसा लगता है इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखने में, सो नाइस। अब इस गाड़ी का ना इंजन दिखाता हूं आपको, एक बार इंजन को ओपन करते हैं। ये है इसका इंजन, जो कि 77 PS ऑफ पावर प्रोड्यूस करता है, और 97 Nm ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। ऊपर की तरफ में यहाँ पे इंसुलेशन भी आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी, बट वही है टाटा का इंजन है, थोड़ा सा रिफाइनमेंट के मामले में कम है। और जो गाड़ी की सनरूफ मिलती है ना, वो आपको वॉइस कमांड के साथ में मिलती है, यानी कि आप उसको बोल के भी सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। अब बात की जाए गाड़ी के प्राइस पॉइंट की, देखो अभी ये गाड़ी सिर्फ टाटा ने यहाँ पे ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले कर रखी है, तो प्राइस जो आएगा ना, आप बिल्कुल मान के चलो कि वो 1,20,000 रुपये महंगा आएगा नॉर्मल वेरिएंट से। क्योंकि आप कोई सी भी गाड़ी उठा के देख लो, आप टियागो उठा के देख लो या फिर इन्हीं की टिगोर उठा के देख लो, उनके अंदर सभी में क्या है, जो उनका नॉर्मल वेरिएंट आता है ना उससे भाई ये गाड़ी वो जो गाड़ी है वो 1,20,000 मतलब 1.5 लाख तक महंगी आती है। तो ये गाड़ी भी बिल्कुल 1.5 लाख तक महंगी आएगी, और ऊपर से भाई अब इसके अंदर में सनरूफ भी आ गई है, तो ये बहुत बढ़िया सा चेंज हो चुका है। तो गाड़ी का प्राइस जाहिर सी बात है हाई जाने वाला है। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। अल्ट्रोज की CNG की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच।